देखिए सर, इस तरह से जला जला के मुझे मारता था। कोई अपना पत्नी को मतलब ना चाहेगा? बताइए अब, यह समझिए पत्नी बनाया या तो मुझे रखेल बना के रखा, यही मैं मानूंगी ना। मारता तभी आपको? सर पूरा पीठ में पूरा दागा हुआ है छोलनी से। जी उतना बर्दाश्त करके इसलिए रह रही थी कि जब मेरे किस्मत में एक से किए तो वो भी गुजर गया, दूसरे से मैंने किया उसका भी साथ नहीं मिला, जो इसका साथ जो मुझे मिल रहा है हमारे बच्चे का रहा है तो मैं जिंदगी काट लूंगी। मारगारी खा आज वो मुझे क्या बोलता है कि तू नए नाच में तो तोरा नहीं रखबो, तो क्या मैं नचनिया हूँ? एक तो कोठा पर के नहीं हो ना कि जो बोलेगा मैं वही करूंगी। मजबूरियों का फायदा उठाया, मेरे मजबूरिया को उन्होंने फायदा उठाया। अब ये क्या बोलता है सर, मैं मुझे ये कहना है कि मैं सिंगिंग कर दी हूँ, मानती हूँ मुझे प्रोग्राम पे वो चढ़ा दिया तो हर लड़के मेरे साथ फोटो खिंचाएंगे। जब नचाने के लिए शर्म नहीं लगा तब कोई फोटो खिंचाएगा तो शर्म लग गया तुमको? पत्नी का भेज रहे थे तो मतलब कोई भी लड़का आपके साथ मतलब वीडियो बनाएगा? फोटो खींच, मैं कपड़ा चेंज कर रही थी, घर पे कोई नहीं था, ये मुझे पता नहीं थी कि विनय की माँ है या नहीं घर पे। मैं कपड़ा चेंज करने गई, वो क्या किया मेरे रूम पे आके गेट लगा दिया और मेरा मुंह बंद कर और कस के पकड़ के मेरे साथ उन्होंने जोर जबरदस्ती गलत किया। फिर जब मैं चिल्लाई चीखी तो उनकी मम्मी पापा सब जो है हम महिला थाना जाने लगती। 7 महीने से ये केस चल रहा है सर, SP सर के पास किया हूँ, महिला थाना किया हूँ, DIG के पास किया हूँ, फिर महिला विकास मंच के पास, महिला विकास मंच भी मैं गई, पर नहीं 4 बार में गया। वहाँ पे सिर्फ एक ही चीज की मैं आ रही हूँ, वो आते हैं। इस वीडियो को जितने भी लोग देख रहे हैं महिला विकास मंच तक पहुँचाइए, बिना मानवी मैम तक पहुँचाइए, कंचन मैडम तक। तो मैं चीख चीख के बोलती हूँ कि मैं लास्ट में मैं जहर खा के मर जाऊँ या तो मैं थाने में ही पटक के मर जाऊँ। ऐसा वैसा नहीं कीजिए। देखिए नवादा के SP सर इस वीडियो को देख रहे हैं तो जल्द से जल्द इस पर करवाइए। नाम पे किस्त लेके मैं विनय के पैसा दी हूँ और गाड़ी खरीदवाई हूँ जी, इसलिए उनको पढ़ाई में दिक्कत होती थी, इतना तक किया हूँ। की बहन क्या बोलती है, तुमको पता है किससे बात कर रहा है? तुम मेरे SP से बात कर रहा है। जय हिंद, मैं हूं प्रद्युमन यादव और आप देख रहे हैं ग्रेजुएट न्यूज। अभी हम इस वक्त मौजूद हैं नवादा में और अभी जिस महिला को आप देख रहे हैं ये महिला काफी प्रताड़ित हुए हैं, इनका जीना मुश्किल हो गया है, जैसे कि इनके साथ काफी परेशानी है जो मीडिया के सामने बताना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनाली शर्मा, मैं नवादा की रहने वाली हूँ। क्या समस्या है आपका? समस्या ये है सर कि मैं ऑलरेडी शादीशुदा थी, उसके बाद क्या हुआ कि सर हमारे कुछ ऐसे से बात हो गई तो विनय नाम के एक लड़का है, ठीक है ना, मैं रूम खोजते गई तो मैं वहाँ पे रूम लेके, अब कोई नहीं, ये तो नहीं जानती ना तो सर कि वो लड़का खराब है, ये तो मैं नहीं जानती हूँ। मैं जाकर रूम लेके रहने लगी, बस रूम मैं ली और 15 दिन के बाद मेरे साथ ऐसा घटना हुआ, जोर जबरदस्ती मेरे किया। आप उससे बात उत किए थे या मतलब वो पहले बात? नहीं, मैं बात उत कुछ नहीं की थी उससे, कुछ भी नहीं, मैं गिरदार थी। मतलब अकेला का फायदा उठाया? जी अकेला का फायदा उठाया। ये समझिए कि मेरे साथ उन्होंने रेप किया। इस मामला के लिए मैं महिला थाना भी गई हूँ, वहाँ भी केस किया हूँ, उसके बाद क्या हुआ अभी तक तो कोई अन्याय मुझे मिल नहीं। कैसे मान लें कि आपके साथ हुआ अन्याय, क्या कुछ सबूत है आपके पास? सारा सबूत है हमारे पास, सारा सबूत है। शुरू में मतलब कैसे आपके पास आया था? वो ऐसा आया था सर कि मेरे काम एक ऑलरेडी मैं शादीशुदा थी, प्लस में क्या पहले हमारे हस्बैंड गुजर गए थे ब्लड कैंसर से, तो हमारे 2 बेटा हैं पहले से। फिर क्या हुआ सर कि मम्मी पापा मेरा शादी करवा दिए सर से, धनवाद करवा दिए, तो फिर वहाँ पे मैं रहने लगी। तो बात है सब बात कुछ खड़ा हुआ सर कि लड़का जो था हमारे एजेंट थे तो भी मैं रहने लगी, उनका उम्र 50+ था तो अभी रहने के लिए उसके तैयार थे, तो उन्होंने क्या किया कि वो बोले कि हमारे जब तुमको नहीं रहने देंगे, मतलब बात ये हुआ कि 2 बेटा है तो तुमको रहने नहीं देंगे, नहीं रखेंगे। तो हम क्या किया सर कि हम आकर कमाई अपना काम करके जूठा बर्तन धो के बच्चों को आप रखना चाहते थे? हाँ मैं रखना चाहती थी। हाँ। मैं अभी भी जब मैं जन्म दी तो मैं रखूंगी नहीं। ऐसे माँ को सलाम है कि मतलब अपना बच्चा को नहीं छोड़ रही है, कितने तो ऐसे होती है कि मतलब हवस के चक्कर में अपने बच्चों को छोड़ देती है, लेकिन बताइए एक माँ का ममता ऐसा है कि अपने बच्चे से अपना ममता दूर नहीं करना चाहते थे, मतलब उसी को मतलब वो बोलता था कि हम नहीं रखेंगे जी। और ये भी हुआ सर क्या हुआ पहले दूसरे घर से उनका भी एक जन्म मैंने बेटी दिया हूँ भूमि शर्मा नाम है, उसको कैंसर हो गया था, उसको भी मैंने इलाज किया, इतना जानते हुए भी तुम तो जान रहे थे ना कि हमारे 3 बच्चे बच्चा तो उसी का था। जी उसका था बच्चा पहले वाले का, मगर इतना जानने के बाद भी मैं विनय के रूम पे किराए पे रही हूँ, तुम तो जान रहे थे कि हमारे 3 बच्चे हैं, उसके बाद फिर मेरे साथ क्यों इस तरह से गलत? कुछ भी नहीं बोला था सर। मैं क्या हुआ कि मैं हॉस्पिटल से अपनी बच्ची को दिखा कर आई और अपने रूम में कपड़ा चेंज कर रही थी, घर पे कोई नहीं था, ये मुझे पता नहीं थी कि विनय की माँ है या नहीं घर पे। मैं कपड़ा चेंज करने गई, वो क्या किया मेरे रूम पे आके गेट लगा दिया और मेरा मुंह बंद कर और कस के पकड़ के मेरे साथ उन्होंने जोर जबरदस्ती गलत किया। फिर जब मैं चिल्लाई चीखी तो उनकी मम्मी पापा सब जो है हम महिला थाना जाने लगे, तो उनकी मम्मी पापा मुझे गोड़ पकड़ने लगे कि बेटा जूती मेरा बेटा गलत किया है तो हमारा बेटा तुमको रखेगा, ठीक है ना, रखिएगा तो शादी करके रखेगा। जी शादी करके रखेगा। तो क्या हुआ सर सबके सामने वहाँ पे मुझे मांग में सिंदूर दे दिया था, बिना सिंदूर दे दिया, उसके बाद मुझे 4 साल रखा है। अब मुझे बोलता कि मैं नहीं रखूंगी। उस समय उसका 30+ चल रहा है अभी। 30+ है जी, 30 है उसका मतलब, उस समय 25 से ऊपर होगा जी, मतलब वो बालिग था।
बालिक क्या रहेगा सर, बालिक रहता तो इतना ही गंदा गंदा हरकट नहीं, बालिक था मतलब नाबालिग से ऊपर था, मतलब नाबालिग रहता थोड़ा सा होता, 27 साल हो, 27 साल जी, 27 साल जी। करने के बाद रख भी रहा था, रख भी रहा था सर। ऐसा क्या है कि मुझे सिंगिंग लाइन में ढकल दिया, मतलब वीडियो में बोल रहे थे कि पिस्टल के नोक पर आपको मतलब नचाता भी था, नचाता था। पहले मैं सिंगिंग कर रही थी, फिर सिंगिंग करते करते बोला कि तुम नहीं करोगी डांस, बोले मैं नहीं करूंगी। तो देखिए सर, इस तरह से जला जला के मुझे मारता था। कोई अपना पत्नी को मतलब नचाएगा बताइए? अब यह समझे पत्नी बनाया या तो मुझे रखेल बना के रखा, यही मैं मानूंगी ना। माँ सर पूरा पीठ में पूरा दागा हुआ है छोलनी से जी, उतना बर्दाश्त करके इसलिए रह रही थी कि जब मेरा किस्मत में एक से किए तो वो भी गुजर गया, दूसरे से मैंने किया उसका भी साथ नहीं मिला। यदि इसका साथ यदि मुझे मिल रहा है, हमारे बच्चे का परवरिश कर रहा है, तो मैं जिंदगी काट लूंगी मारगारी खाकर। सब चीज में सत्य थी। आज वो मुझे क्या बोलता है कि तू नहीं नाचमी तो तोरा नहीं रखबो। तो क्या मैं नचनिया हूँ? एक तो कोठा पर के नहीं हो ना कि जो बोलेगा मैं वही करूंगी। मजबूरियों का फायदा उठाया, मेरे मजबूरिया को उन्होंने फायदा उठाया। अब ये क्या बोलता है सर, मैं मुझे ये कहना है कि मैं सिंगिंग कर दी हूँ, मानती हूँ मुझे प्रोग्राम पे वो चढ़ा दिया तो हर लड़के मेरे साथ फोटो खिंचाएंगे। जब नचाने के लिए शर्म नहीं लगा तब कोई फोटो खिंचाएगा तो शर्म लग गया तुमको? पत्नी का भेज रहे थे तो मतलब कोई भी लड़का आपके साथ मतलब वीडियो बनाएगा, फोटो खींच सकता है? तो क्या हुआ सर कि मैं तो केस महिला थाना में करी दी, 7 महीने से यह केस चल रहा है सर। एसपी सर के पास किया हूँ, महिला थाना किया हूँ, DIG के पास किया हूँ, फिर महिला विकास मंच के पास, महिला विकास मंच भी मैं गई, पर नहीं 4 बार में गया। वहाँ पे सिर्फ एक ही चीज की मैं आ रही हूँ, आ रही हूँ, आ रही हूँ, वो आते हैं। इस वीडियो को जितने भी लोग देख रहे हैं, महिला विकास मंच तक पहुंचाइए, बिना मानवी मैम तक पहुंचाइए, कंचन मैडम तक पहुंचाइए। आप लोग तो बड़े बड़े भाषण देते हैं, बोलते हैं अगर महिलाओं पर अत्याचार होता है तो हम लोग आते हैं। बताइए, नवादा की लड़की है, नवादा की बेटी है, अब बताइए इनके साथ अत्याचार हो रहा है तो आप लोग कहाँ हैं? जो आप भी नहीं सोचती थी सर कि मैं मीडिया में आऊँ, ये मैं नहीं सोच रही थी, क्योंकि हम मानती हूँ मैं गरीब हूँ, मगर हम लोग अच्छे घर से बिलोंग करती, मैं नहीं चाहती थी कि मीडिया में आने। नहीं चाह रहे थे कि मतलब मेरा चेहरा सब देखे, मतलब हम मीडिया में आए जी? मुझे लेकिन मुझे इंसाफ नहीं मिल रही है तब मुझे मीडिया पे आना पड़ रहा है। मुझे ये कहना सर हो रहा था, टन रख रहा था, अब तो मैं यही सोचूंगी कि मुझे इंसाफ नहीं दिलाएंगे प्रशासन, तो मैं चीख चीख के बोलती हूँ कि मैं लास्ट में मैं जहर खा के मर जाऊँ या तो मैं थाने में ही पटक के मर जाऊँ। ऐसा ऐसा नहीं कीजिए। देखिए नवादा के एसपी सर इस वीडियो को देख रहे हैं तो जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई कीजिए। अच्छा, क्या सबूत है कि मतलब आपके साथ गलत किया गया? गलत किया सर, हमारा वीडियो उन्होंने बना लिया। मैं नहीं करती थी डांस तो मुझे वीडियो से ब्लैकमेल करता था, अपन वीडियो मेरा बना कर रख लिया उन्होंने। अब बताइए सर कि मेरे को 4 साल उन्होंने रखा, मैं रहने लगी तो मैं ये थोड़ी जानूंगी कि हमारा वीडियो उन्होंने बनाया। बीच में कैसे कैसे दोनों में मतलब अदमन हुआ? इसलिए होगा सर कि देखिए मैं चली गई थी पटना, ठीक है ना, पटना में चली गई थी, मेरा काम बच्चे को छोड़ के। आज भी सर देखिए हम बच्चे को कैसे पालेंगे, मैं आज भी मॉडलिंग करती हूँ, आज भी मैं मॉडलिंग करती हूँ। मॉडलिंग ये होता है सर, सिंगर लोग कैसे शूट करते हैं ना वीडियो में, शूटिंग पे मतलब कोई एक्टर, कोई एक्टर जी, मैं यही करती हूँ क्योंकि मुझे बच्चे को पालना है। बच्चे को तो मैं मार नहीं दूंगी अपने के लिए, यदि मैं अपना स्वार्थ सोचती सर तो इस लड़का को मैं कमा कमा के नहीं देती। मेरे जो भी अपना लाइफ में कमाई, आज मेरे उनके पिताजी को लकवा मार देता, मैं इलाज करवाई हूँ, मैं करवाई हूँ अपना दुकान बेच कर। उसका तो आप बहुत सारा आरोप होगा कि मतलब बहुत सारे लड़के से आप बात करते हैं, ये करते हैं, बहुत सारा सबूत मुझे दे दे। सबूत मुझे दे दे। एक लड़का का भी दिया था ये सबूत, सुभाष नाम का लड़का है, उसका सिर्फ फोटो खींचा हुआ था, इन्होंने क्या क्या एसपी सर के पास दे दिया। तो सर ये तो छानबीन कीजिए पहले कि मैं हूँ किसके साथ। यदि मैं गलत ही थी, मानती हूँ मैं कोठा पे ही थी, तो भी ये लड़का मुझे क्यों रखा 4 साल, जानते हुए भी मुझे रखा ना। आपको मतलब वही पिस्टल के नोक पर नचाता था, वही फिर आरोप लगा रहा, जो भी आरोप भी लगा रहा मुझे भी, मेरे हाथ में खुद मुझे पिस्टल देकर, आप देख सकते हैं मैं लहंगा पहनी हूँ, मेरे हाथ में पिस्टल देकर उन्होंने फोटो खींचा। अब मुझे ये नहीं पता था कि मुझे वो ब्लैकमेल कर रहा है। बता रहे थे कि मतलब वो भी मतलब पिस्टल लगाते हुए जी हाँ, एक बार वीडियो वायरल हुआ है उसका, रंगदारी कर रहा है, बस रंगदारी बहुत कर रहा है हमारे ऐसे लड़कियां का, कितनी का उन्होंने जिंदगी बर्बाद किया जी। मगर ये मैं कहूंगी दावा के साथ कि मेरी जिंदगी बर्बाद हुई है तो मैं रहूंगी उसी के साथ। देखिए इनके मांग में सिंदूर है, गले में मंगलसूत्र है, ये एक जो पारंपरिक मतलब महिला की ड्रेस होता है साड़ी में है, और कोई इनमें त्रुटि नहीं है। एक लड़की देख सकते हैं, ये भी मतलब होता है कि लड़की खराब है, इतनी अच्छी लड़की है, इतने अच्छी लड़की को मतलब ऐसे कर रहा है, तो बताइए कहाँ का इंसाफ है? इनका जिंदगी से खेला और इन्हीं के साथ बताइए ब्लैकमेल कर रहा है, मतलब हर हालत में विनय को रखना चाहिए। इस वीडियो को जितने भी लोग देख रहे हैं ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, एसपी स्तर तक पहुंचाइए, हमारे महिला विकास मंच तक पहुंचाइए, जितने भी मानव अधिकार के लोग देख रहे हैं इन तक आइए। नवादा किरण, मैं नवादा किरण, मेरे ऊपर गलत आरोप लगाया, मैं अपने किस्त पे लेकर, मैं अपने पति के नाम पे किस्त लेके मैं विनय के पैसा दी हूँ और गाड़ी खरीदवाई हूँ जी, इसलिए उनको पढ़ाई में दिक्कत होती थी, इतना तक किया हूँ इसको जी, सब कुछ मैं करवाई हूँ। यहाँ तक मैं पैसा ATM, जैसे मेरा अकाउंट हमारा है, मगर अकाउंट में
नाम इसका है, इतना करते हुए भी मतलब धोखा है, उसके बाद भी उन्होंने मेरे साथ धोखा दिया। मतलब ऐसे उसको घर बुला के मन से किया कि अपने मन से कर रहा? नहीं नहीं, उसके घर में जो है ना, अभी भी जो उनके माँ लोग बोल दे कि तुम ला के रख लो तो रखने के लिए राजी हो। जैसे क्या बता रहे हैं कि उसके बहन जो उनसे बात करने का प्रयास करते हैं गाली देते हैं, डायरेक्ट गाली देती है। क्या बता रहे हैं कि मतलब हम बाहर निकल, मेरे को थाना में मैनेज हुआ था तो बिना ही बोला था कि मैं रखने के लिए राजी हूँ, ठीक है ना। फिर क्या हुआ कि बिना ही वहाँ से भाग गया, उनकी माँ भी केरा रखमी तो हम जहर खा के मर जीव। तो बिना ही वहाँ, कितने भाई है? बिना एक भाई है, भाई एक ही भाई है। बहन कितने होंगे? एक बहन है। एक बहन है जी। मतलब जैसे क्या बता रहे हैं कि बहन भी आपको गाड़ी देते हैं, बहुत सारे लड़कों से आपको गाड़ी दबा रहा है, मतलब बाजार में जब निकलते थे आपको मारने के लिए बस। और ऐसा भी हुआ, कल हमारे एक मीडिया वाले सर आए थे, बोले कि लाइए फैमिली का नंबर, मैं बात करती हूँ। मैं नंबर दे दी तो उसकी बहन क्या बोलती है, तुमको पता है किससे बात कर रहा है, तुम मेरे SP से बात कर रहा है। बताइए ऐसे ऐसे महिला को हम क्या बोले, महिला के रूप में बताइए, राक्षसी है। इस वीडियो का जितने भी लोग देख रहे हैं ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मेहता के साथ प्रद्युमन यादव, जय हिंद।